हाँ दीदी, ये सारी सामग्री तो इकट्ठा है दीदी, हाँ पर इसको कैसे बनाओगे दीदी? इसको बना के बताएंगे का? हाँ भैया, पीस के बता बनाए के बताबो। हाँ ठीक है दीदी, इनको बना के दिखाइए। भैया ये नीम पत्ती है तो ये ला भैया, हम ऐसे यहाँ धर के और पीस बोला। अच्छा पीसेंगे दीदी इसको? हाँ भैया पीस बो हम। अभी ऐसे खड़े डाल देने से जो एक रंग कहाँ ले निकल ही भैया। अच्छा रंग नहीं निकला इसलिए इसको पीसा जाता है दीदी ना? हाँ भैया। हाँ ठीक है दीदी। एला भैया हम ऐसे बेसन पीस डाल, एला अलग करके भैया हम, और फिर ये छीता फल के पत्ती ला पीस बो। ये छीता फल के पत्ती आए भैया, एला भी ऐसा जैसे नीम के पत्ती ला पीसे हैं ऐसे पीस बो। एहुला ठीक है दीदी। हाँ दीदी ये तो पीस गए का, इसको भी अलग रखेंगे का? हाँ भैया ये लो भी अलग रख देबो। ये लाइए धर दयन भैया, आप पीस गया। हाँ दीदी इसके बाद क्या करना है भैया? ये ला सुन लो हम। अच्छा। पीस बो हुला। एला अब हम अलग धर देबो भैया। अच्छा अलग धरे दे इसको। हाँ दीदी। हाँ भैया। ये मिर्चा भी तो पिस गया। हाँ भैया पिस गए। हाँ दीदी लाल मिर्ची है, सूखा मिर्चा इसमें लगा सकते हैं का? हाँ भैया हरी मिर्ची। अच्छा अपन हरी खाद बना रहे हैं ना, जैसे खाद बना दवा बना रहे हैं तो इसमें हरी मिर्ची काम आता है दीदी ना? हाँ सूखा मिर्ची में तो पक जाता है तो सूख जाता है। सूख जाता है माने रस रस तो रस कम हो जाता है। अच्छा रस कम हो जाता है सूखा मिर्ची में? हाँ कम हो जाता है, इसलिए हरा मिर्च डालना चाहिए। हरा मिर्ची हरा है तो तेज रस है। अच्छा हरा तेज भी है, इसमें रस भी है, और हमारे जो पत्ती भी है ये हरा है। हाँ। इसलिए हरा मिर्च ही जरूरी है इसमें ना? हाँ भैया। अच्छा ठीक है दीदी। हाँ दीदी ये सब तो पिस गया दीदी, अब इसके बाद क्या करेंगे दीदी? एला भैया हम या 5 लीटर गौमूत्र है ना, एला घड़ा में से डाल बो भैया। 5 लीटर पूरा गौमूत्र डालेंगे दीदी? हाँ भैया ऐसे के मक्का मा ऐसे डाल देता है। इसके बाद दीदी? एक बाद भैया या सीताफल की पत्ती, सीताफल के पत्ता ला डाल था भैया हंडी में। हाँ वैसे इसी प्रकार सभी सभी जो है मिर्ची है लहसुन है और फिर नीम की पत्ती सभी को यही डालेंगे? ऐसे डाल वो भैया हम ऐसे ऐसे डाल के। अच्छा और फिर ये लकड़ी से ऐसे मिलाने पड़ भैया। अच्छा चटवा भाई खोल पड़ है तब ना मिल बराबर। हाँ ऐसे ऊपर नीचे। हाँ।